फ्यूल पंप रिले। फ्यूल पंप के लिए ICSE648 का यूज़ किया गया है और एक रेजिस्टेंस 0 ओम की यूज़ की गई है इसके लिए। और जो ECM का कनेक्टर है, कपलर है, C50 की पिन नंबर 10। फ्यूल पंप रिले की पिन को ICSE648 से ग्राउंड जाता है। इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है 0 ओम का। अगर ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए तो फ्यूल पंप ऑन नहीं होगा, रिले ऑन नहीं होगी फ्यूल पंप रिले, और जब रिले ऑन नहीं होगी तो फ्यूल पंप को 12 वोल्ट की सप्लाई रिसीव नहीं होगी। अब ये ग्राउंड आउट करता है रिले के लिए और रिले सप्लाई प्रोवाइड करती है फ्यूल पंप के लिए। अगर ECM की जो IC ख़राब हो जाए तो फ्यूल पंप वर्क नहीं करेगा। और आइए अब देखते हैं कि इसका जो सर्किट है ECM के अंदर और जो कहाँ पर IC लगी, कहाँ पर इसकी पिन है ये 36 और कहाँ पर रेजिस्टेंस है, किस तरह से इसकी ट्रेसिंग है देखते हैं और उसके बाद इस पर सप्लाई भी चेक करते हैं। इस सर्किट को ट्रेस करते हैं। कनेक्टर C50 और पिन जो यूज़ की गई है वो 10 है फ्यूल पंप रिले के लिए। आज इसकी बात करते हैं। इस तो ये लगा लिया है हमने, ठीक है। पिन नंबर नहीं तो ये लिया था, ठीक। तो ये लाइन जो ऊपर से आ गई और ये पिन नंबर इसकी जो 36 है, ये IC जो है वो एक सेट से और 18 पिन है और इस 18 प्लस 36, तो ये 36 पिन नंबर 36 जो है वो यूज़ फॉर फ्यूल पंप के लिए, राइट। तो सिंपल है, इसमें IC का बड़ा अहम रोल है। इसका इस्तेमाल फ्यूल पंप रिले के लिए किया गया है, फ्यूल पंप रिले के लिए 36 ये ऑट करेगी फ्यूल पंप रिले के लिए ग्राउंड। ये कोई पॉजिटिव सप्लाई वगैरह वगैरह यूज़ नहीं करेगी, ये ऑट करेगी ग्राउंड। हम इसको सप्लाई देता हूँ और देखता हूँ सूरत हाल क्या है इसकी। जो बात ये है कि एक तो हमने सप्लाइयाँ जैसी हैं वो दी है, जो देते हैं वो दी ही है सप्लाइयाँ। इसमें एक थोड़ा सा काम बढ़ा दिया है, बस इसको ये बढ़ा दिया मैंने। ये क्यों बढ़ाया? क्योंकि जब हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो सही से चेक नहीं हो पा रहा फ्यूल पंप की जो ग्राउंड है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए आता है और गायब हो रहा है। इतनी देर में मल्टीमीटर को पकड़ना और फिर उधर से सप्लाई हटाना फिर लगाना, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो बेहतर तरीके से चेक करने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। ये LED है और इसके अंदर दो मैंने एक टर्मिनल बना रखे हैं, ठीक है, दो टर्मिनल हैं ये, राइट। इसमें ये वाला हमारा जो है वो पॉजिटिव सप्लाई है, राइट, और ये वाला ग्राउंड है। तो ये वाला जो ग्राउंड वायर है और ये पॉजिटिव सप्लाई है, तो हमारे फ्यूल पंप की को ठीक सप्लाई पहुँचनी होती है। बीच में रिले का इस्तेमाल किया गया है और रिले को ग्राउंड ऑन करता है, आपको मालूम है ये बात। फिलहाल मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से कुछ नहीं, बस एक तरीका है। और ये क्लिप जो है वो इससे मैंने कहीं पर भी जो 12 वोल्ट सप्लाई चल रही है ये चल रही है, ये 12 वोल्ट सप्लाई है, मैंने ये सप्लाई दे दी इसको, राइट। ये हमारा एक वायर क्लियर हुआ, इस पर 12 वोल्ट की सप्लाई आ गई। अब ये वाला जो वायर बचा है, ये वाला वायर मैं इसे कनेक्ट करूँगा फ्यूल पंप रिले की पिन नंबर 10 पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर C50 पिन 10 9 10, तो दिस इज़ द फ्यूल पंप रिले पिन एंड आपका ये आ गया। अब बाकी आपको समझें, अब मल्टीमीटर से नहीं देखना है यहाँ पर क्या सूरत हाल है इसकी, एक इस तरीके से अब आप लाइट को देखेंगे। कनेक्शन कर दिए हैं, सप्लाई दे दी गई है, इस LED से जोड़ा है, राइट। अगर ये LED ग्लो होकर बंद होती है या ग्लो होती है तो आप ये मानेंगे कि ये काम कर रही है। इसलिए मैं इसको सप्लाई देता हूँ, सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई आ गई। और मैंने देखो, अब आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए सप्लाई की तरफ, आप ध्यान दीजिए LED की तरफ। अब ये लगाने जा रहा हूँ और मैंने ये लगा दिया।
1, 2, 3 और ये LED ग्लो हो चुकी हैं और ये बंद भी हो चुकी हैं। ठीक है, अब आप चेक करेंगे इस समय IC पिन नंबर 36 पर या इसके जो रेजिस्टेंस है, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात, इसमें ग्राउंड है, ये ग्राउंड आउट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो वायर है, नेगेटिव वायर है, ग्राउंड वाला वायर है इस LED का, तो उसको पिन नंबर 10 पे लगाया है। तो अगर वो ग्राउंड इसको मिला तभी जी जला, अगर IC नॉट करा है तब जला है, IC आउट नहीं करता तो ये सिर्फ सिंगल लाइन यानी कि पॉजिटिव लाइन से अकेला ये नहीं जलता, रेड से नहीं जलता, ये ग्राउंड है जो IC से कनेक्टेड है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार मैं और दिखा देता हूँ, ये जो है वो मैंने यूँ लगा दिया और ये लाइट ग्लो हो गई जी और ये बंद 6 सेकेंड। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ही उड़ जाए या ख़राब हो जाए, ओपन हो जाए, तो फ्यूल पंप का ग्राउंड आउट नहीं होगा, जिसकी वजह से फ्यूल पंप जो रिले है वो ऑन नहीं होगी। जब रिले ऑन नहीं होगी तो फ्यूल पंप मोटर को 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं पहुंचेगी और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी।